कोरोना के कारण 2 साल से बंद कांवड़ यात्रा इस साल 14 जुलाई से शुरू हो गई, जिसे लेकर नगर निगम प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। सड़कें इतनी खराब हैं कि लोगों को निकलना मुश्किल होता है। ऊपर से मानसून दस्तक दे चुका है, ऐसे में कांवड़ यात्रियों को परेशानी आ सकती है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि कांवड़ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि नगर निगम प्रशासन अपनी बातों पर कितना खरा उतरता है। हमारा ये 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो नगर निगम की सीमा में आता है, उसमें से जो सबसे खराब, जब लेफ्ट से राइट पॉइंट का निरीक्षण किया गया तो सबसे खराब ट्रैक जो है हमारा वो 2 किलोमीटर का ट्रैक है जो घंटाघर से ऊपर गुजरता है। तो इसको, इसमें 3 तरीके से कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें एक तो नगर निगम से अभी जो घंटाघर चौराहा है उस पर काम चालू है, और इसी तरीके से जो कांवड़ वाला ट्रैक है उसको पूरा उस पर वर्क। मंडल आयुक्त साहब के निर्देशन और नगर आयुक्त मैम के निर्देशन अनुसार हमने सारी पूर्ण तैयारियाँ कर ली हैं। जो नगर निगम क्षेत्र में कांवड़ रूट है उसका पूरा निरीक्षण कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी शिविर वहाँ जो लगेंगे उनमें जो मोबाइल टॉयलेट शौचालय है उनकी पूरी हमने तैयारी कर ली है।